जब अन्याय को संरक्षण दिया जाएगा तब धर्म और न्याय की आवाज उठाने के लिए भी लोग खड़े होंगे। उस अन्याय और अधर्म के खिलाफ लोग एकजुट होकर आवाज उठाएंगे और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। 2018 को वापस दोहराना चाहते हैं तो हम 2018 को 2023 में दोहराने के लिए तैयार है। आगे नहीं मानेगा तो हम यही करेंगे, हर गांव गांव घुसेंगे और गांव में किसी भी व्यक्ति को बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अंदर मानने घुसने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। झालावाड़ में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन के खिलाफ रविवार को राजपूत समाज के सामाजिक संगठनों की ओर से भाजपा कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के लिए सबसे पहले राजपूत छात्रावास से समाज के लोग एकत्रित हुए और यहां से पैदल मार्च के रूप में भाजपा कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान सभी लोग भाजपा कार्यालय के पास पहुंचकर बैठ गए। इसके बाद यहां पर एक सभा आयोजित हुई जिसमें प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए राजपूत समाज के नेताओं ने कहा कि राजपूत समाज को अभद्र भाषा बोलने वाले भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैन के खिलाफ इस्तीफे की कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वो लोग यहां पर बैठे रहेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में मंजीत पाल सिंह सावराद, जीवन सिंह शेरपुर, भवर सिंह सालडिया समेत करनी सेना समेत अन्य राजपूत समाज के संगठन के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन दिए और इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के खिलाफ मर्यादित टिप्पणी करने वाले भाजपा जिला अध्यक्ष से उनकी लड़ाई है, ना कि पार्टी से और किसी समाज से। ऐसे में जिला अध्यक्ष के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में भाजपा के कार्यकर्ता अगर उनके इलाके में घूमते हुए दिखाई दिए तो समाज उनको अपने इलाकों में घुसने नहीं देगा। झालावाड़ में भाजपा जिला अध्यक्ष के इस्तीफे के लिए रविवार रात 8 बजे तक का समय जो है वो समाज की ओर से दिया गया है। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंदोलन प्रदेश भर में होगा और जयपुर के कार्यालय के बाहर बड़े स्तर पर समाज की ओर से इस मामले में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने मेवाड़ क्षेत्र के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी महाराणा प्रताप पर टिप्पणी की थी। इसके बाद समाज के विरोध से उन्होंने माफी मांगी थी। समाज किसी भी सूरत में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे पास 8 कैंडिडेट निर्दलीय थे, हमने हमारा अध्यक्ष बिठाया, तब संजय ताऊ के पास फॉर्म भरने के लिए भी व्यक्ति नहीं थे क्योंकि एक प्रस्ताव के समर्थक और एक खुद कैंडिडेट चाहिए, उनके पास 2 ही थे, उनके पास फॉर्म भरने के लिए भी व्यक्ति नहीं थे, समर्थक प्रस्ताव की आवश्यकता होती वो नहीं थे उनके पास, तो वो फॉर्म नहीं भर पाए। तब उनने षड्यंत्र करा और खुद एक वीडियो है हमारे पास जो उस वीडियो पर चढ़ते हुए खुद फॉर्म फाड़ रहे हैं और हमारे भाइयों के ऊपर आरोप लगाया कि राजपूत समाज के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, अंदर आकर उनने हमारा फॉर्म फाड़ा है आप, और हमारे भाइयों के ऊपर मुकदमा करवाया गया। जब वो पर्दाफाश हुआ, जब उनका वीडियो निकल के आया कि वो खुद फॉर्म फाड़ के आए हैं, फिर हमारे भाइयों को गाली दी, गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया कि तुम राजपूत समाज के लोग गुंडागर्दी कर रहे हो, वो भी वीडियो आया। उससे पहले संजय ताऊ का एक वीडियो आया कि यदि मैंने राजपूत समाज को गुंडा कहा है और मैंने फॉर्म फाड़ा है तो मैं स्वतः इस्तीफा दे दूंगा। तब हमारे लोगों ने वीडियो प्रस्तुत कर दिए, यहाँ के आला कमान तक जो यहाँ के मुखिया हैं यहाँ से ही वसुंधरा मैडम चुनाव लड़ती, उनके पास भी हमने हमारे जो सबूत थे वो पहुँचा दिए। भाजपा कार्यालय के नजदीक आयोजित इस धरना प्रदर्शन में समाज के युवाओं ने सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी वहां पर किया। करीब 12 बजे से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में करीब 4 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। ये संजय ताऊ, उन्होंने जो समाज को गाली दी है उसके लिए, और आलाकमान जो वसुंधरा मैडम यहाँ 3-3, 4-4 बार से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पुत्र जो है वो भी यहाँ से सांसद है, अब जो वो खुद कार्रवाई नहीं कर सकते उनके ऊपर, अगर कहीं जगह माफी मांगने की बात जाती है तभी उन्होंने माफी भी नहीं मांगी और हमारे समाज को गाली देगी, तो आप पूरे राजस्थान के अंदर वापस 2018-19 के अंदर ये राजपूत करनी सेना थी और उन्होंने बता दिया था कि बीजेपी कमल का फूल हमारी भूल, अबे आप वापस अगर यही अगर चाह रही है भारतीय जनता पार्टी तो हम उस करने के लिए तैयार है और हर जिले में इनका विरोध करेंगे और गांव-गांव में उन्होंने बीजेपी वाले कार्यकर्ता को किसी को घुसने मांगे नहीं मानी जाती, क्या करेंगे? मांगे नहीं मानेगा तो हम यही करेंगे, हर गांव-गांव घुसेंगे और गांव में किसी भी व्यक्ति को बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अंदर मानने घुसने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए हर तरह से हम तैयार हैं उनके लिए लड़ने के लिए। इस दौरान संगठनों के पदाधिकारियों ने समाज के युवाओं को किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करने के लिए समझाया है। साथ ही धरना प्रदर्शन में सुरक्षा की दृष्टि से झालावाड़ पुलिस चाक चौबंद रही ताकि किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े। इसको लेकर शहर भर में मुख्य स्थानों पर पुलिस की गाड़ियां जाप्ते के साथ खड़ी की गई, वहीं आयोजन स्थल के आसपास पुलिस का वज्र वाहन वाटर कैनन वाहन भी मौके पर मौजूद रहे, जबकि
कोटा इलाके के पुलिस अधिकारी और झालावाड़ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के थाना अधिकारी समेत जिला मुख्यालय के पुलिस अधिकारी आयोजन को लेकर वहां पर तैनात रहे। जिले में करणी सेना और राजपूत समाज के संगठन के पदाधिकारियों ने भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैन का तहसील स्तर पर ग्रामीण इलाकों में पुतला दहन कर विरोध जताया। ये जितने भी इनके आलाकमान है बीजेपी के, एक छोटे से जिलाध्यक्ष को नहीं हटा सकते जो समाज के बारे में गलत भाषा का प्रयोग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सह दे रहे हैं और वापस वही 2018 को वापस दोहराना चाहते हैं। तो हम 2018 को 2023 में दोहराने के लिए तैयार है। सभी युवा और जितने भी संगठन है वो सभी एक है और आगे 2023 में हम ये करके भी दिखा देंगे। दरअसल 5 जुलाई को भूमि विकास बैंक अध्यक्ष का चुनाव हुए थे। इस दौरान भाजपा से जुड़े रणवीर सिंह राठौड़ ने नामांकन के दौरान उनका पर्चा फाड़ने का आरोप 25-30 लोगों पर लगाया था। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैन समेत अन्य नेता मौके पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध जताया था। इसी बीच चुनाव अधिकारी से जिलाध्यक्ष की बहस हुई थी, जिसके बाद राजपूत समाज संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष पर राजपूत समाज पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाकर जिले भर में विरोध प्रदर्शन राजपूत समाज ने शुरू कर दिया।